हेलो, हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। था। आप प्रीवियसली क्योंकि अपने लाइव क्लास तो ले नहीं पाए हुआ, तो आपके जितने भी क्वेरीज वगैरह हो ना, नेक्स्ट संडे तक का वेट करने से बेटर है कि आप मुझे सेंड कर देना क्वेरीज अपनी एक बार में सारी, ताकि प्रॉपर लेक्चर उसी के ऊपर मैं बना दूँ, ठीक है? आपके डाउट्स के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने रेस्पिरेशन तो पढ़ लिया, अब रेस्पिरेशन सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के आने पढ़ते हैं, यानी बॉडी का वो सिस्टम जो उस रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उस रेस्पिरेशन को सपोर्ट करता है, बेसिकली उस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। क्या लिखा हुआ है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ओहो, पहली बार तो ऑर्गन के बारे में बात बता रहा है कुछ, है ना? ठीक है, जो हेडिंग है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर है। क्या लिखा हुआ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ, नहीं हम आ गया रहे क्या? हाँ आ गया रहे हम, वही मशीन। क्या लिखा हुआ है? रेस्पिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कोई डाउट है? इन्होंने बोला ये बहुत वाइटल प्रोसेस है। वाइटल मतलब एसेंशियल, वाइटल मतलब एसेंशियल। क्या ये हमारे लिए जरूरी प्रोसेस है या नहीं है? हमारे लिए क्या इन ऑल लिविंग के ऑर्गेनिज्म है? कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। इट गोज ऑन नॉन स्टॉप, इट गोज ऑन नॉन स्टॉप, यानी ये चलते रहते हैं, स्टॉप ही नहीं होती है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक आप अलाइव रहते हो तब तक नॉन स्टॉप चलती रहती है। अगर ये स्टॉप होगी तब तो लाइफ भी स्टॉप हो जाती है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट जानने को मिलेंगे चैप्टर के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर रॉ मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल यूज मतलब क्या कि रेस्पिरेशन में क्या लगता है एंड द एंड प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट जो हमने यूज़ किया उसके वजह से हमारा क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है? यानी जो हमने यूज़ किया उसके बेस पे क्या बना बेसिकली, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड और कितनी एनर्जी निकलती है एक्सेट्रा। सम एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे टू डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्रीदिंग का जो तरीका बेसिकली मैकेनिज्म है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, ठीक है? द नीड फॉर रेस्पिरेशन, ओके, कॉन्सेप्ट वो कह रहे हैं कि आखिर रेस्पिरेशन जरूरी क्यों है, सांस लेना जरूरी ही क्यों है? रेस्पिरेशन का मीनिंग सांस लेना तो नहीं होता है, बेसिकली ब्रीदिंग विदाउट दोनों होता है ना? और ज़्यादा डिटेल उन्होंने पढ़ भी लिया था प्रीवियस चैप्टर में, तो पहले रेस्पिरेशन का वो द्वार से मीनिंग बता रहा है। पहले कह रहा है रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या करते हो, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हो। बहुत सारी एनर्जी क्या करते हो, बनाते हो। कैसे बनाते हो? बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, है ना? ताकि इस एनर्जी से क्या हो सके, ताकि इस एनर्जी से क्या हो सके, आपकी लाइफ के जितने भी काम है, लाइफ के जितने प्रोसेस हैं, वो हो सके, वो इजीली हो सके, ठीक है? तो ये बेसिकली होता है रेस्पिरेशन का मतलब। तो क्या रेस्पिरेशन जरूरत है क्या? ये तो मीनिंग है, तो ये काम क्यों जरूरी है, क्या नीड है इनकी? तो लिखा हुआ है, तो इसको बता रहे हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस नीचे उतार रहे हैं, ये ऊपर क्या जाओ, ये बेसिकली केमिकल इक्वेशन दिया हुआ जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो मैं इस पर टाइम नहीं देना चाह रहा। यहाँ पर सीधा पढ़ते हैं क्यों रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। तब कह रहा है, अच्छा इंपॉर्टेंस भी नहीं बता रहा, अभी तो इक्वेशन के बारे में बता रहा है। देर आर फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट दिस केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन। इस केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता रहे हैं? दिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन यील्डिंग एनर्जी अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स, हेंस इट इज बेटर नोन, हेंस इट इज बेटर नोन एज सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। बेसिकली कह रहे हैं जिस पार्ट में रेस्पिरेशन होता है, जो पार्ट हमें एनर्जी देता है, यील्ड मतलब देना, यील्ड मतलब देना, जो पार्ट रेस्पिरेशन करता है, जो पार्ट हमें एनर्जी देता है, वो बेसिकली एक सेल, वो बेसिकली लिविंग सेल्स के अंदर होता है। वो बेसिकली वो पार्ट किसी लिविंग सेल्स के अंदर होता है, ठीक है? ये एनर्जी देने का काम भी लिविंग सेल्स के अंदर होता है, ये रेस्पिरेशन भी किसी लिविंग सेल्स के अंदर होता है। तो उन लिविंग सेल्स को
और लिविंग सेल्स में क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और किस में चेंज जाता है, वाटर में चेंज जाता है और एनर्जी में रिलीज हो जाता है, तो ब्रेक डाउन को हम क्या कहते हैं, डज नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में कि ये पे सिंगल स्टेप में नहीं होता, इसमें बहुत सारे सीक्वेंस स्टेप्स लगते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं क्या। पढ़ चुके हैं आई थिंक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी वही है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ पर 5 ले दिए हैं। काफ़ी मिलता जुलता टॉपिक है ना, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मतलब कॉमन है इस ऑर्गन्स वाले पार्ट को छोड़कर, यानी ऑर्गन्स के बाद ही बेसिकली न्यू है, बाकी तो सब इसमें पुराना है। चलो हम फिर भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्पीड फास्ट रखेंगे फिर अपने, है ना। सब ऑफ दीज स्टेप्स आर करना साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इट्स सम इनसाइड द मिटोकॉन्ड्रिया। ये भी पढ़ चुके हैं, ये कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ईच ब्रेक डाउन स्टेप में जो भी पर्टिकुलर एंजाइम, ये जो भी ब्रेक डाउन होता है किसी ना किसी एंजाइम की वजह से होता है, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये ब्रेक डाउन भी नहीं पाएगा। फिर एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो खैर जितनी सारी एनर्जी निकलती है सारी सारी हीट के फॉर्म में रिलीज नहीं होती है, कुछ ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में भी निकलती है, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं। पॉइंट सेम है एज यू हैव रीड इन द केस ऑफ प्लांट्स, जैसे भी रहा है उसको एनर्जी करेंसी बोल देते हैं। छोड़ो उस वाले को, द एसेंशियल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आर सेम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो कह रहे हैं जो जो रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के जो स्टेप होते हैं ना बेसिकली, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही केस में सेम है। सब प्रीवियस चैप्टर दे दिया सर, नीड तो बताया ही नहीं, नीड बताई है बस इन्होंने, नीड मतलब अलग से बताई है बॉक्स के अंदर। हमें रेस्पिरेशन की जरूरत है कि रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है और एनर्जी हमें की जरूरत है। अच्छा वो इसे ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ सकती है, एक बार में तो हमें बताया नहीं था, सीधे सीधे मैं घुमा घुमा कर बताया था, वहाँ पर भी रेस्पिरेशन का मीनिंग बताया गया था इंपॉर्टेंस, लेकिन इंपॉर्टेंस कैसे तय थी कि पहले तो पूरी प्रोसेस तय थी, पूरी प्रोसेस से एनर्जी निकलती है, एनर्जी कैसे कैसे बनती है, एंजाइम्स वगैरह सारा बता दिया, फिर बाद में सभी को एक बताया सारा हो चुका है। चलो तो पहला करें, पहले यूनिट तो ये है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इतने प्रोटीन्स को एनालाइज करता है, प्रोटीन को मिक्स करता है और उनको उनको बेसिकली प्रोसेस करके फिर मतलब प्रोटीन्स बनाता है बेसिकली एमिनो एसिड से। ये एनर्जी क्या करती है, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनती है वो क्या करती है, एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनाती है, नए एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है ताकि मूवमेंट हो सके अच्छे से, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन नर्व सेल्स एंड नर्व सेल्स को मूव कराने में, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन ताकि सेल डिवीजन होता रहे, इन कीपिंग द बॉडी वार्म, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बेसिकली। और एक प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कूल ब्लडेड एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता था, पढ़ चुके हैं। ये भी था पिछले वाले चैप्टर में, एनिमल्स नीड मोर एनर्जी,
The need for production of energy is greater in animals than in plants. जो एनर्जी है वो जो एनिमल्स को ज़्यादा जरूरत होती है ना कि एज कम टू प्लांट. उसका सिंपल सा रीज़न पता है क्या है? हाँ मुझे बता सकते हो, बट मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्ट हमने क्या क्या पढ़ा था. अगर आप पढ़ा था तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो ये बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन है. सिंपल सा, पेड़ एक जगह पर खड़े रहते हैं, ये ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं प्लांट्स. लेकिन एनिमल्स तब एक जगह पर नहीं टिकता, वो फिजिकल वर्क करता रहता है, वो जैसे उधर मूव करता रहता है, जैसे उधर एफर्ट्स करता रहता है, ठीक है. तो वहाँ पर एनिमल्स का फिजिकल वर्क थोड़ा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स. तो इसी एसेंस को ज़्यादा वर्क करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी सही होती है. तो वही लिखा होता है, जो नीड होती है एनर्जी जो ग्रेटर इन एनिमल्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, है ना. दे हैव टू मूव अबाउट फॉर ऑपरेटिंग फूड. सर कहाँ कहाँ उन्हें जाना पड़ता है? तो सर उन्हें घूमना पड़ता है दरअसल अपने खाने के लिए, ठीक है, अपने एनिमीज से बचने के लिए, अपने खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए. जैसे आप वॉक लेते हो ऐसे वो भी भागते हैं अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, अपने एक्स वगैरह का ध्यान रखने के लिए, या फिर छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, और बहुत सारे काम इसकी वजह से ना वो बार बार करना पड़ता है. तो ये तो बात हो गई एनिमल्स की और प्लांट्स की. अभी कहने अरे बर्ड्स और मैमल्स भी कम नहीं है. बर्ड्स और मैमल्स को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग आर सेल, तो आर सेल को कंसिडर किया मैंने पहले कहा था, मैमल्स में हम लोग कंसिडर हो जाते हैं. तो हम लोगों को भी काफ़ी सारी हीट है टू प्रोड्यूस अलॉट ऑफ हीट. हमें भी काफ़ी सारी हीट की जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी को क्या कर सकें, वार्म रख सकें. दूसरी हीट कम्स टू रेस्पिरेशन इन द एयर से हीट कैसे आती रहती है आती है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी वार्म, जितनी जितनी मतलब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है हीट की बहुत ज़्यादा होती है. थिंक अबाउट द कोल्ड विंटर डेज व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज फार बिलो अर्थ बॉडी टेम्परेचर. सोचो ठंडी ठंडी सर्दियों का, सर्दियों के दिन के बारे में सोचो, जहाँ बाहर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से भी कम होता है. वी आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग हीट टू द आउटसाइड एयर, हमारी एनर्जी वो बाहर की तरफ खोती जा रही है. एंड मोर ऑफ इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस टू मेक अप फॉर द लॉस, और बहुत सारी और बहुत ज़्यादा बनती भी जा रही है इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए. लिवर सेल्स इन पर्टिकुलर प्रोड्यूस मच हीट, वो कह रहे हैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लिवर सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं. एंड देन मसल सेल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट, और मसल सेल्स भी फिर क्या करते हैं इसमें हेल्प करते हैं. सिबरिंग हुआ, क्लैटरिंग ऑफ टीथ हुई, दांत खटखटाना, है ना, इज अ इमरजेंसी एक्टिविटी ऑफ द मसल सेल्स टू प्रोड्यूस सेक्रेट. ये एक इमरजेंसी एक्टिविटी, यानी कि आप कहते हो ना अपने आप होती है, अपने आप होती है, क्योंकि आपका ब्रेन आपके मसल सेल्स को सिग्नल देता है कि आपको हीट एनर्जी की जरूरत है. तो इस एक्टिविटी को करने से एक्स्ट्रा हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगती है. जान क्रिकेट आने से कप पाने से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है. तो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो ब्रेन हमारा ऑटोमेटिक आंसर कराता है, ठीक है. द एनर्जी यूज इन ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ये कह रहे हैं द एनर्जी यूज इन ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. वो कह रहे हैं जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं जो लिविंग सेल्स फिजिकली करते हैं, उनको जितनी भी उनकी एनर्जी मिलती है ना वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके मिल जाती है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिल जाती है और कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है. ग्लूकोज हैज नो अल्टरनेटिव फॉर रेस्पिरेशन. ग्लूकोज के पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है रेस्पिरेशन का. क्या कहने का मतलब है पढ़ते हैं. इफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली, अगर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के पास करा है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, द सेल्स में ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स और फैट्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेटरी नीड्स. तो वो कह रहा है एस कृष्णा, अगर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो सेल्स अपने आप ही क्या करने लगेंगे, टूटने लगेंगे, वो प्रोटीन को तोड़ने लगेंगे यानी प्रोटीन को सिंथेसिस करने लगेंगे, और जो फैट्स वगैरह जितने भी होते हैं उन सबको प्रोसेस करेंगे ताकि ग्लूकोज बन सके, ताकि ग्लूकोज बन सके. और फिर उस ग्लूकोज को क्या करेंगे, उस ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. थिंक फॉर अ वाइल अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स विच आर टोटली फ्लैश ईटर्स. वो करें तो सोचो
उन जंगली जानवरों के बारे में जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, जो प्रॉपर क्या है नॉन वेजिटेरियन है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर डाइट इज प्रोटीन। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मेन जो एलिमेंट होते हैं उनकी डाइट का वो प्रोटीन होता है विद वेरी लिटिल कार्बोहाइड्रेट। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बहुत कम खाते हैं, उसका आप बहुत कम खाते हैं। द एक्सेस एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब थ्रू प्रोटीन डाइजेशन आर ब्रोकन इन द लीवर टू प्रोड्यूस शुगर एंड द नाइट्रोजन पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया व्हिच गेट्स एक्सक्रीटेड आउट। फिर वो कह रहे हैं जो जब थोड़ा बहुत तो एमिनो एसिड अगर ज़्यादा चला भी जाता है तो उसको प्रोजेस तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर प्रोजेस थ्रू थ्रू प्रोटीन डाइजेशन और फिर उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं लीवर के अंदर ताकि एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस हो जाए और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस हो जाता है। नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हम नहीं करते, हमारी बॉडी का सिस्टम ही ऐसे कि वो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। फिर वो ग्लूकोज दस प्रोड्यूस्ड मे बी यूज इमीडिएटली और मे गेट स्टोर। वो कह रहे हैं जो ग्लूकोज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम इमीडिएटली यूज भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं लीवर सेल्स में ताकि फ्यूचर की नीड पूरी कर सकें, जैसे हम खाना भी तो स्टोर करके रखते हैं। सिमिलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। वो कह रहे हैं सेम प्रोसेस एनिमल्स में होती है अगर इफ दे टेक एक्सेसिवली प्रोटीन रिच फूड। अगर हम भी ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खा लें तो हमारे साथ कैसे होता है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना अधिक हो जाता है, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती उतना हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, हमें मालूम नहीं पड़ता पर स्टोर हो जाता है। प्रोग्रेस चेंज विभिन्न ब्लू का डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है। फिर वो ब्लैंक को लिखते हुए ठीक है फिलअप करना है, डेफिनेशन को कम्प्लीट करना है। राइट सूटेबल वर्ड्स इन द ब्लैंक। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ यहाँ पर उन्होंने क्या बोल लिखा है, प्रोटीन लिखा है या फिर उन्होंने यहाँ पे कौन सा क्या वर्ड यूज़ किया है, ग्लूकोज यूज किया है ना, ग्लूकोज लिख रहे हैं यहाँ पे। कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस, राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द आवर डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। लिख दो क्या इक्वेशन ऊपर से देखें। इन वॉट फॉर्म इज द एनर्जी लिमिटेड इन रेस्पिरेशन। दो तरह से निकलती है, एक हीट एनर्जी के फॉर्म में और एक एटीपी के फॉर्म में, ठीक है दो फॉर्म में निकलती है, एक हीट और एक एटीपी। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज व्हिच नीड एनर्जी। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है ये आप अपनी क्रिएटिविटी लगाना, आई एम श्योर मैं आपको आंसर नहीं देना, आप खुद से लगाना मेरे ख्याल से। दो आप कुछ भी लिख दो एक्टिविटी को ना, कोई सा भी काम इंपॉर्टेंट जो हमारे रिसेप्शन होते हैं बस उसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। एग्जाम में तो बेसिकली पूछेंगे नहीं वाला क्वेश्चन। टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरह की होती हैं एरोबिक और एनएरोबिक, आपको पता ही है। एरोबिक वो होता है जिसमें हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती और एनएरोबिक वो होता है जिसमें हमें ऑक्सीजन की नीड होती है ना। इन एनिमल्स देयर इज नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन, वो कह रहे हैं सॉरी एरोबिक में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एनारोबिक में नहीं करते थे। तो वो कह रहे हैं इन एनिमल्स एनिमल्स में तो नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल एक्सेप्शनल है यानी बहुत कम केसेस में होता है। जैसे कि टैप बॉम्ब्स हुए जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो टैप बॉम्ब्स रहते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। वो कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में अकर इवन इन आर ओन बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है। इन द फास्ट वर्किंग स्केलेटल मसल्स टेम्परेरीली, यानी कुछ टाइम के लिए हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। वो भी कब, अगर हमारे मसल कौन से हैं फास्ट वर्किंग अगर मसल्स हैं हमारे तो हम बिना ब्रीदिंग के भी कुछ टाइम के लिए बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकते हैं रेस्पर कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग कंटिन्यूस फिजिकल एक्सरसाइज सच एज फास्ट रनिंग वॉकिंग और लॉन्ग डिस्टेंसेज स्विमिंग रेसलिंग वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा आर मसल्स वर्क टू फास्ट बट नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। उस टाइम पर ये जो सारे काम, इस टाइम पर हमारा शरीर बहुत मेहनत करता है, बहुत फास्ट हमारे मसल्स काम करते हैं और उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता बट फिर भी अलाइव रहते हैं, फिर भी अगर हम अलाइव रहते हैं तो ये हमारे अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है।
इन द सिचुएशन द मसल्स आर वर्किंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमारे जो मसल्स हैं वो ऑक्सीजन के बिना काम कर रहे हैं, इसी को तो हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ताकि क्या हो सके, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी बच सके. द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन सच मसल्स इज लैक्टिक एसिड. तो लोग कह रहे हैं इस तरह से जो बनता है अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो मसल्स बिना ऑक्सीजन के काम करेंगे तो उससे हमारी बॉडी में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड. और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें थकान हो जाती है. तो हमें क्या हो जाती है, थकान हो जाती है. इसके समय क्या हो जाती है, थकान हो जाती है. अगर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, थकान हो सकती है. दिस इज अ कंडीशन विच मे बी कॉल्ड ऑक्सीजन डेट. इसको हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का कर्जा हो गया. डेट मतलब कर्जा, जो आपको वापस देना होता है उसको बोलते हैं कर्जा, जो आपको वापस देना होता है. तो बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, अगर आप बॉडी को आप ऑक्सीजन दे दोगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी. नाम याद रखना है आपको. व्हेन यू रेस्ट आफ्टर सच एक्सरसाइज, जब आप रेस्ट करते हो द लैक्टिक एसिड गेट्स स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन लेटर अवेलेबल एंड देन द डेट इज क्लियर. वो कह रहे हैं जब आप थोड़ी देर के लिए आप आराम करते हो एक्सरसाइज के बाद तो लैक्टिक एसिड होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से खत्म होता जाता है. सही, जो ऑक्सीजन कहाँ से जो बाद में मिलेगी उससे खत्म हो जाता है. और जो डेट होता है, जो कर्ज होता है, वो धीरे धीरे क्लियर होता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस होती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है. केमिकल स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, केमिकल स्टेप्स ध्यान रखना. अगर वहाँ पे ध्यान नहीं हो तो चेक करना. तो हमने पढ़ा था जो रेस्पिरेशन होता है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं. तो क्या क्या सीरीज है जरा यहाँ पर ध्यान देना. द केमिकल चेंजेस taking place in aerobic respiration in animals are the same as the aerobic respiration in plants. ठीक है, तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं एनिमल्स के अंदर वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे प्लांट्स के अंदर होते हैं. ये लोग उन्होंने बता दिया. द ओवरऑल केमिकल चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. कह रहे हैं अगर आपको समझ नहीं तो आप इक्वेशन दे दे रहे हैं. अब आप इक्वेशन देखो उसका. केमिकल सब्सटेंस इन मोल, इन मोल, एक मोल में हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है. दस आर टेकिंग 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज है 180 ग्राम से लिया हुआ है उन्होंने केवल. द एनर्जी रिलीज 686 किलो कैलोरीज. वो कह रहे हैं कि 180 से 180 ग्राम ग्लूकोज का यूज करके हम कितनी कैलोरीज एनर्जी बना सकते हैं. 686 किलो कैलोरी एनर्जी हम बना सकते हैं. और इफ एक्स बिन क्लोजूल्स, अगर किलो जूल्स में कन्वर्ट किया जाए तो कम से कम इतनी क्लोजूल्स 2890. सर कन्वर्ट कैसे किया, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं. तो अगर सर ये कैलोरीज में 686 है तो 686 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.2 का 686 से मल्टीप्लाई कर दो. तो बेसिकली इस तरह से आया है. इन द अबव इक्वेशन वी कैन रिप्रेजेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एज़ फॉलोज. वो कह रहा है अगर इस इक्वेशन में आपको अपनी एनर्जी रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे कर पाओगे. ग्लूकोज मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, थोड़े एंजाइम्स भी थे. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बना, थोड़ा सा वाटर बना, थोड़ी सी एटीपी एनर्जी बनी और थोड़ी सी हीट एनर्जी बनी. ठीक है, 1 मोल ऑफ एटीपी रिक्वेस्ट 70 किलो कैलोरी. वो कह रहे हैं एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होता है एटीपी का, वो उसको 70 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए होती है. एंड सो 100 एटीपी प्रोड्यूस बाय कंज्यूमिंग 466 किलो कैलोरी. तो वो कह रहे हैं बिल्कुल इतनी सारी किलो कैलोरी हम यूज़ कर लेते हैं कि 38 एटीपी बचाने के लिए. तो सर हम तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इतनी कर रहे थे, हम तो इतनी सारी किलो कैलोरी यूज़ कर रहे थे. हाँ, तो जो रिमेनिंग होती है रेस्ट ऑफ जो एनर्जी जो होती है वो एज हीट प्रोड्यूस हो जाती है, वो एज हीट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है. यानी 686 के दो पार्ट हो गए, 686 के दो पार्ट हो गए. इससे 686 किलो कैलोरीज बनती है, इसमें से 266 तो
एटीपी फॉर्म में चली जाती हैं और 420 हीट एनर्जी के फॉर्म में चली जाती हैं, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल्स, पर्टिकुलरली इन स्केलेटन मसल सेल्स, ओके, एनिमल सेल्स, वो ऐसे एनिमल जिनके अंदर स्केलेटन सिस्टम हो, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है व्हेन दे हैव टू वर्क वेरी फास्ट, जब वो बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट काम करते हैं और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है। द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन एनएरोबिक रेस्पिरेशन समराइज्ड एज़ फॉलोज, ग्लूकोज कोई ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन आपको मिलते नहीं है, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर ढूंढ ही होंगे, तो उससे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बहुत थोड़ा सा एटीपी प्रोड्यूस होता है, अब थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्पेशल पॉइंट्स नोट इन द अबव केमिकल रिएक्शन इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स आर एज़ फॉलोज, वगैरह कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि एक तो पहला ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता, कुछ टाइम के लिए आपकी फसल चल सकती है पर लाइफ टाइम नहीं, आप लाइफ टाइम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। इससे लैक्टिक एसिड जो कि बहुत टॉक्सिक फैक्टर जिसको होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से थकान और दर्द हो सकता है, ठीक है। नो CO2 इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता ही नहीं है, पूरे इक्वेशन में कहीं था ही नहीं। टोटल एनर्जी रिलीज पर मोल ऑफ ग्लूकोज इज मच लेस कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। द बेसिक स्टेप्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन आर द सेम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक स्टेप्स की बात की है तो प्लांट्स में एनिमल्स में सेम, उन्होंने अभी अपना काम खत्म कर लिया, मैंने कहा प्लांट्स में सेटअप पढ़ के चुके हैं तो बिल्कुल वैसे ही है। हाउएवर द एनएरोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंट है टू इन सम रेस्पेक्ट, वो करें दो केस ऐसे हैं कि जहाँ पे आप प्लांट्स और एनिमल्स को सेम नहीं कह सकते, दो मैटर में एनिमल्स का प्लांट्स की एक्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि प्लांट्स तो करते हैं बेसिकली वो एथनॉल और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, द प्लांट्स के अंदर एनर्जी को रेस्पिरेशन होता है तो वो ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड, यहाँ पर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर कम होती है, क्योंकि दो केस डिफरेंट है बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट भी है। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, हाँ रेस्पिरेशन के पार्ट्स, रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है ना, तो इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से पार्ट्स, क्या क्या स्टेप्स हैं इसके लिए वो बता रहे हैं। इन ह्यूमंस देयर आर 4 मेजर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, 4 पार्ट्स हैं, पहला तो ब्रीथ करो आप, दूसरा ब्रीथ करके जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करो बॉडी के अंदर, ठीक है, फिर जो लिविंग सेल्स हैं उनसे रेस्पिरेशन का काम करवाओ, मगर वो टिश्यू के अंदर लग जाए तो फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होंगे ना, जो लिविंग सेल्स होंगे वो बेसिकली काम करेंगे, फिर टिश्यू में आ गए फिर टिश्यू काम करेंगे, टिश्यू के अंदर फिर सेल्स काम करेंगे, ठीक है, ये चार हैं बेसिकली। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस इन विच द एटमोसफेयर एयर इज टेकन इन एंड फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स बाय लंग्स, वो कह रहा है एक फिजिकल प्रोसेस है जो हम एक फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर एटमोसफेयर की एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, एंड बॉडी के बाहर लेके आते हैं, इसके थ्रू बाय ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने वाले ऑर्गन्स के थ्रू, जो कि क्या होते हैं लंग्स, जो कि क्या होते हैं लंग्स, ठीक है, कह रहे हैं गैसेस ट्रांसपोर्ट, द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द लंग्स इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स एज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन थ्रू आउट द बॉडी बाय मीन्स ऑफ आर्टरीज, वो कह रहे हैं जो लंग्स ने जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की है उसको हम ले जाएंगे रेड ब्लड सेल्स के थ्रू, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ले जाएंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की तरह पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी में पूरी बॉडी में बाय मीन्स ऑफ आर्टरीज से होते हुए द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स बाय द ब्लड बाय मीन ऑफ ब्रेन सेल टू वेयर, वो कह रहे हैं अब जो उसके बीच में थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इन टिश्यू से तो वो टिश्यू बाहर फेंक देते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लंग्स की तरफ भेज देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बाय ब्लड दो तरीके से मीन्स ऑफ वेंस एंड ट्यूबवेल दो तरीके से एज बाई कार्बोनेट डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड पार्टली, हो सकता है या तो पूरे के पूरे डिजॉल्व हो गए प्लाज्मा में, हो सकता है थोड़े से डिजॉल्व हैं,
या फिर इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी एज अ कार्बो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, हो सकता है हीमोग्लोबिन के साथ भी आ जाए, या तो अकेले आ जाए प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। टिश्यू रेस्पिरेशन द टर्मिनल ब्लड वेसल, जो टर्मिनल होता है, जो रास्ता होता है जिसके थ्रू बेसिकली सारा काम होता है, तो जो टर्मिनल ब्लड वेसल होते हैं या फिर बोलते हैं कैपिलरीज, तो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन को टू द बॉडी सेल्स। बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन क्या करते हैं डिफ्यूज करता है, वहाँ पर इसको लेकर जाते हैं ना, वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू थ्रू देयर थिन वॉल्स एंड इन अ सिंगल वे, जहाँ पर बेसिकली डिफ्यूज होता है। द कैपिलरीज पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय देम, और जो यहाँ की कैपिलरीज होती हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेती हैं जो कि यहाँ पर बन रही होती हैं। फिर तो होता है सेलर रेस्पिरेशन, द कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस विच अकर इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स जो काम होता है बेसिकली ऑक्सीजन का, वो ये होता है कि आप क्या करें यहाँ पे सेल के अंदर क्या करें एनर्जी निकालें ग्लूकोज से, तो वो बेसिकली इस फोर्थ वाले स्टेप में जाकर होता है। ठीक है, अ कॉमन मिसकंसेप्शन, एक आपके मिसकंसेप्शन दूर कर देंगे, मैनी पीपल स्ट्रॉन्गली से दी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, वो करे गलत हैं, लोग कहते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं ना, हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम पूरी एयर इनहेल करते हैं, ऐसा थोड़ी कि हमारे नोज के अंदर कोई फिल्टर लगा हुआ है कि केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर जाएगी बाकी सारे जो एयर के अंदर उस कॉम्पोनेंट है वो बाहर जाएंगे, नहीं हम सब करते हैं, लेकिन उस सब में ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपको पता है ना एटमोसफेयर में कितनी एयर होती है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, हम करते समय ऑक्सीजन उसका पार्ट होता है एंड वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड, और जब एक्सहेल करते हैं एक्सहेल भी हम यही कि कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं, बहुत सारी गैस करते हैं, लेकिन बहुत सारी गैस में तो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है ना, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट होता है। तो यानी कि अगर कोई आपसे ये कहे बेसिकली इन्हें ऑक्सीजन करते हैं एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो ये गलत है, तो ये क्या है, गलत है। लेकिन कोई अगर आपसे बोले कि हम इन्हेल एयर करते हैं एक्सहेल एयर करते हैं, तो ये सही है, तो ये सही है। ठीक है, प्रोग्रेस चेक करते हैं जरा, स्टेट बेटर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज द एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड, आप बताओ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो आप, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो कंटिन्यू, तो उसकी वजह से आपको थकान होगी, बिल्कुल, यानी यहाँ तक की बात किया कि थकान होगी तो बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं जो थकान होगी किस वजह से होगी, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर CO2 एक्युमुलेट हो चुका है, क्या ये सही है गलत है, क्या ये सही है गलत है, आप बताओ जरा, थोड़ा सोच के जरा, थोड़ा सोचो जरा, क्या है ये सही लिखा है गलत लिखा है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमें थकान होती है वो CO2 की वजह से नहीं होती, लैक्टिक एसिड जो होता है ना उसकी वजह से होती है, और लैक्टिक एसिड कब होता है, जब हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब CO2 तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है, तब CO2 तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है, पढ़ा था अभी, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब CO2 तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है, CO2 का बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो फॉल्स आया था। ठीक है, नो CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही लिखा है। ब्रीदिंग एंड गैसेस ट्रांसपोर्ट आर वन एंड द सेम थिंग, और गैसेस ट्रांसपोर्ट और गैसेस ट्रांसपोर्ट करना सेम चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स बाय द ब्लड इन टू फॉर्म एज बाइकार्बोनेट एंड एज कार्बो कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टिश्यू रेस्पिरेशन मीन्स केमिकल चेंजेस अकरिंग इनसाइड द सेल, गलत,
वो सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है। ठीक है, वेयर डज रेस्पिरेशन अकर इन अ सेल, सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होता है या फिर पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन टू मेन प्लेसेस। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो दो प्लेस पर होता है बेसिकली, पहला ग्लूकोसिस ग्लूकोलिसिस जो हमने पहले पढ़ भी चुके हैं, एक क्रैब साइकिल। बेसिकली तो नाम है, बेसिकली तो नाम है, बेसिकली जगह तो ये है साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। पहला पार्ट होता है ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करना, ये दो सीरीज होते हैं, हमने कहा था ना कि स्टेप दो होते हैं, तो पहला स्टेप ये होता है कि ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करो, फिर दूसरा होता है उससे एटीपी एंड CO2 निकालो और हीट एनर्जी निकालो। ठीक है, तो कह रहे दो जगह पर होता है बिल्कुल रेस्पिरेशन वाला काम सेल के अंदर। तो पहले तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक प्यूरबिक एसिड होता है जिसको हम ब्रेकडाउन करते हैं, जिसको फिर फर्दर डिवाइड, जो फर्दर हम उसको एथर में ब्रेक करते हैं, जिससे प्लांट्स में और एनिमल्स में लैक्टिक एसिड सोर्स बन जाता है। एनारोबिक एक्टिविटी अगर हो रही है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी। क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल वो कह रहा है ये काम तो होगा, इसके बाद हम आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप करेंगे पाइरुविक एसिड को, लैक्टिक एसिड को ब्रेकडाउन करेंगे ताकि हम और छोटी छोटी गैस बना सकें ATP और CO2। एरोबिक होगा तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। H+ आयन्स रिलीज इन द साइकिल आर रिमूव्ड थ्रू द ऑक्सीजन सप्लाइड बाय फॉर्मिंग H2। वो कह रहे हैं जो हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं, उसके हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाता है हमारा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई जाता है और उससे क्या होता है वाटर बन जाता है, और उससे अलग ऑक्सीजन वाटर बन जाता है। सो नाउ यू नो व्हाई आर नॉट इन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, यस टू रिमूव H+ आयन्स। तब समझते हैं कि आपकी बॉडी को क्यों नीड होती है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन है ना वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पर से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। हम इसको जरा इसका एक ही पार्ट रखते हैं, इसको पार्ट टू बनाते हैं ना, क्योंकि वो हमें थोड़ी जल्दबाजी में क्या है, थोड़ी जल्दी क्या है इसको हम डिटेल में करेंगे। इसको जरा होमवर्क लिया जरा, पूरा पूरा चैप्टर करने के बाद भी इन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है आपसे, पूछा इसलिए नहीं है इन्होंने ज़्यादा क्योंकि वो ऑलरेडी आप पहले पढ़ के आ चुके हो, उसके ऊपर क्या पूछेंगे। ठीक है,